ग्रीन टच के खिलाफ निवेशकों का प्रदर्शन। ग्रीन टच प्रोजेक्ट्स लिमिटेड एवं सोवरेन मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी के खिलाफ निवेशकों ने मोर्चा खोल दिया है। रविवार को इस कंपनी के निवेशकों ने कंपनी पर ठगी का आरोप लगाते हुए कंपनी को संरक्षण और इसका संचालन कर रहे लोगों के खिलाफ मारुति स्टेट चौराहे पर नारेबाजी की और सोसाइटी के मालिकों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनका पुतला दहन कर दिया। यह क्रम आगरा शहर के कई चौराहों पर देखने को मिला। निवेशकों का आरोप है कि ग्रीन टच प्रोजेक्ट लिमिटेड कंपनी में हजारों निवेशकों ने अपनी मेहनत की कमाई जमा की थी, लेकिन यह कंपनी गरीबों की जमा पूंजी लेकर फरार हो गई है। निवेशकों ने अपने साथ हुई धोखाधड़ी की शिकायत शासन और प्रशासन को ज्ञापन के माध्यम से दी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। निवेशकों ने ग्रीन टच प्रोजेक्ट लिमिटेड सोवरेन मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी के निदेशकों पर आरोप लगाते हुए कहा कि इनके खिलाफ दर्ज मुकदमों की एसआईटी से जांच हो और कंपनी संचालक व प्रमोटरों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। निवेशकों ने मांग की है कि भुगतान लाभांश सहित जल्दी से जल्दी सुनिश्चित कराया जाए। कंपनी संचालक व प्रमोटरों की संपत्ति कुर्क जैसी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे। निवेशकों ने अपनी मांगें रखीं और एक बार फिर शासन से गुहार लगाई है। साथ ही इस अवसर पर कोलकाता से संचालित ग्रीन टच प्रोजेक्ट लिमिटेड एवं इससे जुड़ी सोवरेन मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी में लिप्त सरकारी अधिकारियों का नाम लेते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की।